बैक टू आवर चैनल। तो भाई कैसे हैं आप सभी? निकल चुके अपने होटल से, हम होटल दिख रहा होगा आपको। तो फिलहाल इस चढ़ाई को कर लेते हैं, उसके बाद मिलते हैं आप। तो भाई निकल चुके हैं, देखो उतारने में तो ऐसे भागती हुई जा रही है गाड़ी। और 20 इंची लगने के बाद, चलो इसके अलग वीडियो बनाएंगे 20 इंची की लगने के बाद हिल्स पे कैसा मज़ा आता है इसे चलाने में। चल तो फिलहाल चलते हैं आगे। भाई इन बिटवीन कहीं रुके थे हम। यहाँ देखो व्यू, देखो कितना प्यारा है यहाँ से, मतलब पूरा वैली व्यू है। देखो ये क्या कर रहे हैं, फोटो वोटो खींच रहे हैं। इनसे बोल रहा था 150 रुपये लेते, हमारे भी खींच दो, बड़े बड़े कैमरे ले रहे हो। देखो चलो, वैसे टूरिस्ट आए हुए हैं, देखो ये दिल्ली नंबर टियागो, ये तो ये उत्तराखंड की है कुछ, वो देखिए जबर किस्मत है हमारी, पर गर्मी बहुत है, चलते हैं सब। तो भाई वहाँ से निकल चुके, आपको लास्ट व्यू दिखाया था। अभी डीजल इसमें एक ही डंडा गिरा है, बाकी देखते हैं जब गिरेगा आपको बता देंगे। फिलहाल तो उतरते रहे, न्यूट्रल पे डाल रखी है, मस्त रास्ता ख़त्म हो चुका है। अब नीचे आ चुके हैं, पता नहीं क्या है, छोटा हल्द्वानी वहाँ पर हैं हम अभी। फिलहाल तो और कुछ तो नहीं है, चल रहे हैं अभी तो आगे चलते हैं। इधर थोड़े बहुत पहाड़ के नज़ारे तो अब भी दिख रहे हैं, पर गर्मी बहुत है, इसी चला के बैठे हुए हैं अभी। कितनी दूर है यहाँ से देखते हैं, लगा रहा है मैप 238 काफ़ी जल्दी आ गए। जब घर वहाँ से चले थे जब तक 275, एक घंटे में उतरना तो बहुत आसान है, उतरने में तो ऐसी भागती चली जाती है गाड़ी, वरना जोर पड़ता। भाई शाम दोपहर में आने का ये नुकसान है, सुबह देखना कितनी भीड़ है यहाँ पे। जब से 10 मिनट हो गए इसी जाम में फंसे हुए, सुबह तो यहाँ से भागे भागे आ रहे थे। इस थार को देखो, इसका लॉक इतना छोटा लग रहा है, इसमें टायर गया था, टायर हटा रखा है, नहीं टायर हटा रखा है, फट गया इसका। चलो चलते हैं यहाँ पे, तो अभी तो ETA बढ़ रहा है, नहीं कम हो गया ETA पहले से, अभी यह 212 किलोमीटर है। एक बार हाई पे चढ़ने के बाद पता नहीं चलेगा, अभी तो जाम लग रहा है, पता नहीं क्या सोच होकर चल रहा है यहाँ पे। ट्रक ट्रैफिक बहुत ज़्यादा भाई, एक तो सिंगल लेन हाईवे है ये, इस पर ट्रैफिक इतना है, बाइक वाले रिक्शे वाले। इस हाईवे 50 किलोमीटर चलना था, मैं 25 तो चल लिए ही नहीं। देखो ये बाइक वाले ऐसे हैं, एक पे तीन, ना किसी ने हेलमेट लगा रखा ना कुछ, बस उल्टे सीधे भगाए जा रहे हैं। ये हाईवे बहुत बुरा भाई नैनीताल जाने के लिए, पता नहीं यही रूट जाता है और कोई भी जाता हो, पर जिससे मैं आया हूँ आना जाना इससे, इस पर बाइक वाले इतने हैं और ये किधर भी मोड़ रहे हैं, ये नहीं देख रहे तुम्हारे पीछे आगे भी कोई चल रहा है। सबसे ज़्यादा इस पर बाइक वाले ही हैं, इसमें इतना टाइम लग रहा है, बिल्कुल बार बार गियर चेंज करना पड़ रहा है, ब्रेक लगाने पड़ रहे हैं, कोई स्पीड ही मेंटेन नहीं हो पा रही। थोड़ा 3 मिनट का ETA गिरा है बस। चलो चलते हैं आगे, ये देखो इस पर चल रही नहीं बस। फिलहाल हाईवे पर चढ़ लिए, अभी 169 किलोमीटर है, जाते हुए तो बिल्कुल मन नहीं करता, जा रहे हैं फिर भी सही स्पीड से। और फिलहाल तो हमारा दो डंडे गिर गए पता नहीं गाड़ी के, एक तो भीड़ इतनी मिल रही थी इसका पता नहीं, तीसरे डंडे में कुछ झोल है, बहुत जल्दी गिरता है। मेरे ख्याल से 30-40 किलोमीटर है इसका, तीसरा डंडा गिर गया है और अभी गिरा, बिल्कुल अभी ध्यान गया मेरा, अभी समझ रहे हैं 5 डंडे पूरे। ये पहले और दूसरे डंडे तो सही चल जाता है, तीसरा कुछ झोल है इसका, पांचवा चौथा सही चलेगा, फिर जो लास्ट के 3 डंडे होंगे उसमें से सेकंड थर्ड में बहुत जल्दी गिरेगा, फिर लास्ट के 2 बहुत चलेंगे,
ऐसी नई थार में कभी इसमें ऐसे तो रहता कभी ज्यादा दिखा दी कभी कम है आयुष तो बोलता रहता है एक दिन की एक दिन पहले दो हो गए फिर तीन मेरी छोटी है कहाँ करता था कि मजाक ही तो कर रहा हूँ भाई ऐसे तो आँख तो बराबर है तेरी फिलहाल तो 80 पे क्रूज कर रहे हैं इसमें अभी देखते हैं जाते जाते मेरे ख्याल से इसका एक डंडा और गिरना चाहिए क्योंकि अभी 168 है इसमें जब जाएंगे चार डंडे रहेंगे 4 PM लाए थे वही मतलब अगर मोटा मोटा मान के लिए तो एक टंकी तेल लग गया 4000 के आसपास हमारा जब बिल्कुल अगर स्टार्टिंग से बात करें तो क्योंकि हमने बहुत जगह घुमा दी है और टोटल चल गई है भाई ट्रिप पे हमारी ये 454 किलोमीटर चल चुकी है अब तक ये चलो बाकी तब थोड़ा बहुत तो फ़र्क पड़ा है इसके माइलेज पे पहले 1000 चलती तो अब 900 चलेगी 100 किलोमीटर का फ़र्क पड़ गया है फुल टैंक पे मतलब वही पर किलोमीटर 1-2 किलोमीटर का फ़र्क पड़ गया बीच में आ चुके हैं कहीं अभी यहाँ से 120 किलोमीटर और दिखा रहा है रोड बनी नहीं है लेकिन टोल पूरे चल रहे हैं देखो यहाँ पता नहीं कितने का टोल लगेगा देखते हैं रोड पूरी डाइवर्जन आ रहे हैं बीच में टूटी पड़ी है मेरे ख्याल से 40 का है यहाँ पे है ना पहला 40 का ही लगा था यहाँ पे इससे पहले एक टोल बढ़ा था वो 130 का था उसके बाद 40 उसके बाद 160 तो आप नैनीताल आओगे तो ये तीन टोल आपको मिलेंगे अगर आप गाज़ियाबाद दिल्ली या गुड़गांव की तरफ से आते हो तो फिलहाल देखते हैं यहाँ पे कितने का है कौन सा एक बार इसके इसमें पता नहीं क्या हो रहा है दो पर चला रखा है ये भी सब कर रखा है अंदर का भी चल रहा है लेकिन कम ठंडा कर रहा है आई थिंक इसकी गैस कम होगी क्योंकि इसे ऑलमोस्ट 3.5 साल हो गए ना गाड़ी को तो इतने में तो गैस मान ही जाती है अब पता नहीं इसको क्या हो गया टोल ना देना होगा बात करवा रहा होगा हो सकता है यूपी 23 ही का है ना शायद लोकल का ही है इसका एनवीएस लेवल देखो कितना प्यारा 1800 पे बिल्कुल वो सॉरी 800 पे 1000 भी नहीं ले रहा है कितना बड़ा इंजन है बस इसी वजह से इसका एवरेज निकल जाता है वरना एवरेज तो इसका नहीं निकलता अगर ट्यूनिंग अच्छी नहीं करते तो बाकी फिलहाल तो हम चल चुके हैं टोटल कितने 500 किलोमीटर हो गए पूरे हम इस घर से चले हुए अभी 120 और है और फिलहाल जब टंकी फुल कराई थी 412 तो अभी इसमें 5 घंटे देखते हैं अगर ये 500 चल गई इस पे फुल कराई भी ट्रिप पे और इसका डंडा नहीं गिरा तो मतलब ये आराम से 1000 किलोमीटर चल जाएगी तो सही है लाइन हाँ गलत लगा दी चलेंगे पीछे चल खुल गया तो भाई हाईवे छोड़ के इसने फिर हमें किसी सिंगल लेन रोड पे चढ़ा दिया अब यहाँ से राइट लेफ्ट दिखा रहा है यहीं से आगे से हाँ यहीं से अब पता नहीं है कौन से रास्ते से लेके जा रहा है किस गांव में से लेके जा रहा है देखिए ये है गूगल मैप अब इसके अकॉर्डिंग ना चले तो हमें रास्ता पता नहीं ये तो किसी गाँव में से लेके जा रहा है हमें अब ऐसे में सुबह सुबह रात को आता आदमी अच्छा खासा डर जाए दिन में चल फिर भी कोई दिक्कत नहीं भगवान ही जाने कहाँ से लेके जाएगा टूटी फूटी रोड है गाड़ी की और नासमर है इससे अच्छा तो वही अपना शिमला साइड निकल जाओ भाई वहाँ के सारे रास्ते इतने बढ़िया हैं और सब रटे पड़े हैं यहाँ तो दूसरी बार यहाँ आया था ऐसी रोड दिखा दी ना घर बनना किसी का यहाँ इंटीरियर वाले बुला लो पूछ लो इनसे चाहिए तो यूट्यूबर आ जाएंगे वो बना जाएंगे घर चलो चला लेते हैं पता नहीं कहाँ से लेके जा रहा है भगवान ही जाने चलो चलते हैं फिलहाल गाड़ी चला लेते हैं छोटी सी रोड है मिलते हैं आपको आगे आंखें मेरी सपना तेरा सपने सुबह शाम है तू है सही या मैं हूँ सही किस पे ये इल्जाम है आंखें मेरी सपना तेरा सपने सुबह शाम है तू है सही तो भाई वापस इसने हमें हाईवे पे चढ़ा दिया है पता नहीं कौन कौन से गांव से निकाल के
अब फिर इस हाईवे पे चढ़े हैं। एप्पल मैप तो हमने बंद ही कर दिया भाई, बेकार है एप्पल मैप के भरोसे के मत चलो, हमेशा गूगल मैप खोल लो अपना। गूगल मैप तो बढ़िया है, हम तो ये एप्पल कार प्ले से आ रहे थे, पता नहीं कौन कौन से गाँव में ले गया, जब भी सीधा ही दिखा रहे थे, फिर एंड में आके हमने सोचा अब तो जा ही नहीं सकते, तब गूगल मैप लगा ही लें। जब वापस हाईवे पर आ गए, देखो इसी रूट से आए थे ना। हाँ और झंडा चलता भाई, चलते हैं फिलहाल। डंडे तो वही पूरे पाँच, अभी 422 किलोमीटर चली है, चलो चलते हैं, लेट्स गो। तो भाई एक टोल और आ गया, ये देखते हैं ये कितने का है, कितने का है ये, 50 रुपये का है जहाँ तक है, चलो देखते हैं। बाकी नजर तो मेरी 50 पे गई थी। यहाँ से हापुड़ है 35, मेरठ है 47, गाजियाबाद कितना आई है, मैं अपनी लगा रखा तूने, गाजियाबाद थोड़ी लिख रहा है, गाजियाबाद नहीं लिख रहा भाई, यहाँ कहीं भी खुल जा भाई, खोल दे। अभी मशीन लेकर आ रहा भाई, इसके इसने तो स्कैन करानी, करवाई स्कैन, कर लिया, ये भी ठीक है, खुल गया भाई। अब देखते हैं कितने का कटा है, आप मैसेज आएगा अभी थोड़ी देर में, एकदम तो आता नहीं फिलहाल। दिल्ली यहाँ से 88 है, तो भाई अब 58 किलोमीटर रह रहा है यहाँ से। देखो मैं तो आ गया हूँ साइड वाली सीट पे, क्योंकि मुझे आ रही है नींद गाड़ी चलाते चलाते, तो अब चलाएगा आयुष। यहाँ से थोड़ी दूर रह रहा बस, फिर तो ये कि पहुँच के दिखा दे लाओ, दिखाओ बाल दिख रहे हैं, चलो तो भाई फिर आगे जाके कहीं वीडियो ख़त्म कर देंगे, क्योंकि अभी नींद आ रही है और जाके सोएंगे, क्योंकि 2-3 दिन से बहुत ऐसे कर रहे हैं नींद नहीं आ पा रही। क्या भाई, चलो ठीक है भाई। सारी मासूम सी खुशियां चल भूल जाए, फासले तो भाई ऑलमोस्ट घर के पास पहुंच गए, 5-10 किलोमीटर रह चुका है घर। इस वीडियो को यहीं खत्म करते हैं फिलहाल। टोटल स्ट्रिप पे हमारी गाड़ी चली है, वो चली है 588, हाँ 588 किलोमीटर चली है वास्ते। बस में अभी 4 डंडे तेल है, और देखा जाए तो 500 किलोमीटर, मतलब इसका चौथा डंडा अभी गिरा, 5-5 किलोमीटर पहले, हाँ पाँचवा डंडा जब ही गिरा 5 किलोमीटर पहले, तो वही 1000 के 1100 के आसपास चली जाएगी अगर प्यार से चलाओगे, क्योंकि इसमें अभी आई टंकी तेल है पूरा 30 लीटर के आसपास, 30 से 32। चलो इस वीडियो को यहाँ खत्म करता है, अगर आपने यहाँ तक वीडियो देखे तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, इस फॉलो करना, पेज आपके सामने आ रहा होगा। बाय बाय टाटा। तुझसे फिर उन किताबों में हो जहाँ जिक्र तेरा।